नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। व्यक्ति के विनाश का कारण क्या होता है, विनाश का जो कारण है वो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बारे में एक छोटी सी प्रेरक कहानी आपके लिए हम लेकर आए हैं। जब व्यक्ति का विनाश तय होता है तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो उसके विनाश के लिए महत्वपूर्ण कारक होती है, अर्थात व्यक्ति जब हारने लगता है या फिर हारता है तो उसकी पराजय का कारण महत्वपूर्ण रूप से कौन सी चीज़ होती है, या कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे व्यक्ति का हारना तय हो जाता है। अहंकार। जी हाँ, अहंकार वो चीज़ है जिससे अगर किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार है, अहंकारी कोई व्यक्ति है, तो ये तय मानिए कि कभी ना कभी वो बहुत बुरी तरह पराजित होगा। आज इसी के बारे में एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग आपके लिए लेकर आए हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वैदिक भजन, वैदिक लेख, नीतिगत वचन और प्रेरणादायक प्रेरक कहानियाँ, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियाँ लगातार आपके लिए लेकर आते हैं। इसी के लिए लगातार वैदिक राष्ट्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलिए। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। चित्रसेन महान मूर्तिकार था, एक मूर्तिकार हुआ चित्रसेन, और बड़ा महान मूर्तिकार। उसने अनेक मूर्तियाँ बनाकर अपने यहाँ संग्रहित कर रखी थी। एक बार राजाज्ञा से लेस कुछ सैनिक उसे बंदी बनाने के लिए चले आए, और इतना उत्तम मूर्तिकार कि जिसकी बड़ी बड़ी दूर दूर तक चर्चाएं होती थी, उसे इसकी पूर्व सूचना मिल गई। सैनिक इससे पहले यहाँ पहुँचते तब तक वह स्वयं उन मूर्तियों के मध्य मूर्तिवत बनकर बैठ गया, अर्थात जो है उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। शाहजहाँ ने सैनिक को भेजा पकड़ने के लिए, उसको जब सूचना मिली तो उसने वहाँ जाकर और पहले ही उसने एक मूर्तियाँ बनाई, मूर्तियों के बीच में खुद मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। उसके घर सैनिकों ने पहुँचे तो खोजा उसको, चित्रसेन कहीं भी नजर नहीं आया। उन सैनिकों में से एक कला का पारखी सैनिक था। चित्रसेन की कलाकारी की प्रशंसा करते हुए बोला कि वाह, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, चित्रसेन वास्तव में ही महान कलाकार हैं। क्या कहा? कला का बड़ा पारखी था कि वाह, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, चित्रसेन वाकई में बड़े महान कलाकार हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर चित्रसेन के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। तभी उस सैनिक ने उसकी कला की निंदा करते हुए कहा, माना कि वह एक महान कलाकार है लेकिन कुछ कमी उसने छोड़ ही दी। माना कि महान कलाकार है लेकिन कुछ कमी तो छोड़ ही दी। बस यह सुनना था कि मूर्तिवत बना चित्रसेन तपाक से बोल पड़ा, कौन सी कमी रह गई? इतना कहकर वह तमतमाता हुआ उठ खड़ा हुआ। तभी उस सैनिक ने अपनी कलाई पकड़कर उसे बंदी बना लिया, उसकी कलाई पकड़कर, और बोला, बस यही तो कमी रह गई कि तुम्हारा अहम भाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारा अहंकार अभी भी जीवित है। इस तरह चित्रसेन अपने अहम भाव के कारण बंदी बनकर पछताने लगा। वस्तुतः कहानी का जो मूल है वह यह है कि व्यक्ति को कितना ही सफलता को प्राप्त कर ले, कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, कलाकार हो, या सफलता की ऊंचाइयों पर हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस बात पर गौर करना चाहिए कि कभी भी आप सफलता के अहंकार में ना डूबें। अगर सफलता का अहंकार आपके अंदर आ गया तो यकीन मानिए आपके लिए ये बहुत हानिकारक हो सकता है। इसीलिए अहंकार किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ इस तरह के और नीतिगत वचनों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, प्रेरक कहानियों के लिए, पंचतंत्र की प्रेरणादायक कहानियों के लिए, वैदिक लेखों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।